हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो फ्रेंड्स, आज हम स्टूडियो में बात करने वाले हैं रीवा ईईटी 2021 के बारे में। आज हम स्टूडियो में रीवा डबल ईटी 2021 के बारे में हर एक डिटेल इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे, लाइक उसका एप्लीकेशन हम किस तरह से भर सकते हैं, उसका एडमिट कार्ड किस तरह से डाउनलोड किया जा सकता है, साथ ही साथ रीवा डबल ईटी 2021 का सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकता, कौन कौन अप्लाई नहीं कर सकता, हर एक चीज़ फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे आज अभी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन बटन है उसे दबाना ना भूले, ताकि अगर रीवा डबल ईटी 2021 का कोई भी नया अपडेट आता है, कोई भी नोटिफिकेशन रिलीज होता है, कोई भी न्यूज़ उसकी रिगार्डिंग आती है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर पाएंगे, आपको नोटिफाई कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं रीवा डबल ईटी 2021 के बारे में और डिटेल में जानना। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने किसी भी ब्राउज़र पर जो है google.com ओपन कर लेना है। google.com ओपन करते ही आपको वहाँ पे सर्च करना होगा रीवा डबल ईटी 2021, और उसके आगे आप लोगों को सर्च करना है cet.co.in। अब आप लोगों का cet.co.in लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये एक ऐसी एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ पे आपको रीवा डबल ईटी 2021 के रिगार्डिंग हर एक डिटेल इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने को मिलेगी। तो आपको आगे सिंपली cet.co.in लिख के गूगल में सर्च कर लेना होगा। जैसे आप इसे गूगल में सर्च करेंगे तो आपके सामने जो सबसे पहला रिजल्ट आएगा आपको सिंपली उस पर क्लिक करके उसे ओपन कर लेना है। जैसे आप उस पर क्लिक करके उसे ओपन करेंगे तो आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको रीवा डबल ईटी 2021 की रिगार्डिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो जानने को मिल जाएगी। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पेज पे सबसे पहले हम जो इसका फुल फॉर्म देखेंगे, लाइक रीवा डबल ईटी यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके हिसाब से उसका फुल फॉर्म हमें बता दी गया है रीवा इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट। यानी कि अगर किसी भी स्टूडेंट या किसी भी कैंडिडेट को अगर रीवा यूनिवर्सिटी जो है उसमें अगर एडमिशन चाहिए इंजीनियरिंग कोर्स के रिगार्डिंग, तो उसके लिए सबसे पहले उसको जो इसके जो एंट्रेंस एग्जाम है उसे क्रैक करना होगा और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसे मीट करना होगा, फिर उसे जो है रीवा यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग कोर्सेज के रिगार्डिंग जो एडमिशन मिल सकता है। अब बात करेंगे रीवा डबल ईटी के हाईलाइट्स के बारे में, तो इसका जो फुल फॉर्म है यहाँ पे हमें दे दिया गया, फिर से यहाँ पे रीवा यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, टाइप ऑफ एग्जाम यूजी लेवल है, लेवल ऑफ एग्जाम यूनिवर्सिटी लेवल है, कोर्सेज जो ऑफर्ड किए जाते हैं इंजीनियरिंग के कोर्सेज ऑफर्ड किए जाते हैं, इसकी ऑर्गेनाइजिंग बॉडी रीवा यूनिवर्सिटी खुद है, एप्लीकेशन जो है इसका ऑनलाइन मोड ऑफलाइन मोड दोनों ही मोड में रिलीज होता है, एग्ज़ाम जो ऑनलाइन मोड में होगा कंप्यूटर बेस्ड आप लोगों का, जो टाइम है टोटल 2 घंटे का दिया जाता है, 2 घंटे में आपको पूरा पेपर कंप्लीट करना होगा, और लास्टली आपको यहाँ पे जो ऑफिशियल वेबसाइट दे दी गई है। अब नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्विक लिंक्स की बात करेंगे, इस वक्त ये जो भी क्विक लिंक्स की आपको लिंक दिखाई दे रही है सारी के सारी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ से आप किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में डिटेल में जानना चाहें अगर तो सिंपली लिंक पे क्लिक करके आप जान सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम अब एग्जाम डेट्स के बारे में, सुबह जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो दिसंबर में ही रिलीज हो जाता है, और इसका जो एडमिट कार्ड आपको अप्रैल 2021 में डाउनलोडिंग के लिए अवेलेबल हो जाएगा, और आपका एग्जाम डेट भी जो अप्रैल के एंडिंग में एग्जाम आपका कंडक्ट किया जाएगा, आपका एग्जाम जो अप्रैल के एंडिंग में हेल्ड किया जाएगा। उसी के साथ और भी सारे इवेंट्स की डेट्स दे दी कि आप चाहे तो चेक करना चाहे तो आप चेक कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे रीवा डबल ईटी 2021 एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। सो गाइस, रीवा डबल ईटी 2021 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, उतनी ही ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है आप लोगों को एप्लीकेशन प्रोसेस में, क्योंकि अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते जब कोई भी गलती करते हैं कोई भी मिस्टेक करते हैं तो आपको जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा, आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। और उसी के साथ एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम स्टूडेंट को फेस होता है एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग हुई है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि किस फॉर्मेट और किस साइज में जो है डॉक्यूमेंट फोटोग्राफ सिग्नेचर स्कैन करना होता है, तो वो किसी भी साइज और किसी भी फॉर्मेट में जो है डॉक्यूमेंट जो है एप्लीकेशन फॉर्म में स्कैन करके अपलोड कर देते हैं, जिस वजह से उनका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाता है, एक्सेप्ट नहीं हो पाता है। सो गाइस, आप लोगों के साथ ऐसा ना, इसलिए आपको सिंपली हमारे चैनल सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन बटन दबा के रखना है, ताकि जैसे ही रीवा डबल ईटी 2021 का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा हम तुरंत वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट कर देंगे, नोटिफाई कर देंगे। और उसी के साथ हम लोग एक वीडियो भी बनाने वाले हैं उसके ऊपर डिटेल में, जिसमें आपको लाइव एप्लीकेशन फॉर्म भर के बताया जाएगा, उसी के साथ 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 आपको ये भी बताया जाएगा कि आप किस तरह से जो डॉक्यूमेंट फोटोग्राफ सिग्नेचर डॉक्यूमेंट जो स्कैन कर सकते हो, किस तरह से उसे जो है कितने KBs में सेव करना, कौन सा फॉर्म अपलोड करना, हर एक चीज़ आपको जो फुल डिटेल में वहाँ पर बता दी जाएगी। लाइक यहाँ पे भी आप देख सकते हैं आपका फोटोग्राफ और डॉक्यूमेंट फोटोग्राफ और सिग्नेचर जो है वो PNG JPG JPEG या PDF का फॉर्मेट में रहना चाहिए, और उसकी जो साइज़ है 2 MB से कम रहनी चाहिए, उससे ज़्यादा साइज़ नहीं चलेगी। तो उस वीडियो में हम आपको ये सब चीज़ भर के और पूरी डिटेल में अच्छी तरह से बताएंगे। अब बात कीजिए एप्लीकेशन फ़ीस की, तो एप्लीकेशन फ़ी आप डायरेक्टली ऑनलाइन मोड भर सकते हैं किसी भी पेमेंट के डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड के थ्रू, और जो आपका पेमेंट रहेगा यानी कि फ़ी रहेगी वो नॉन रिफंडेबल, आपकी फ़ी किसी भी हालत में आपको रिफंड नहीं की जाएगी। सो फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में।
तो गाइस जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि विदाउट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोगों को जो एग्ज़ाम दे बैठने नहीं दिया जाएगा। अगर आप इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करते हैं तो ही आप इस एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेबल रहेंगे और आपको जो एग्ज़ाम देने दिया जाएगा, वरना आप लोगों को एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाएगा। तो इसकी जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ से डिटेल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेकआउट कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे भी आपको मैं एक जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दूँ कि आप जो है 12th पास रहने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, और साथ ही साथ आपके फिजिक्स केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट्स है वो सब्जेक्ट्स आपको कंपलसरी रहने चाहिए, और उसी के साथ आगे और भी बहुत सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप जो डिटेल में चेकआउट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक के द्वारा। अब नेक्स्ट बात करेंगे एग्जाम पैटर्न के बारे में। सो गाइस यहाँ पे जो एग्जाम पैटर्न बता दें कि आपके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन के टोटल चार ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगेगा आपको सिंपली उस पर टिक करना रहेगा। नेक्स्ट आपका जो सेक्शन है टोटल 3 सेक्शन में आपको डिवाइड कर दिया रहेगा। आपके जो पेपर्स है वो 120 क्वेश्चन आपको पेपर में दिए जाएंगे और 120 मार्क्स का आपका पेपर भी रहेगा। सॉल्व करने के लिए आपको टोटल 2 घंटे दिए जाएंगे, 2 घंटे में आपको पूरा पेपर सॉल्व करना होगा, और यहाँ पे आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं दी जा रही है। अगर आप गलत आंसर देते तो आपको मार्क्स माइनस नहीं होंगे, ये आपके लिए बहुत ही बड़ी न्यूज़ है। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट डिवाइड करके बता दिया गया, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, और तीनों ही सब्जेक्ट में जो है 40-40 क्वेश्चंस के जो क्वेश्चंस जो है पूछे जाएंगे 40-40 मार्क्स के लिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं सिलेबस की। तो गाइस सिलेबस जो है वो ऑफिशियल्स के द्वारा और यूनिवर्सिटी के द्वारा अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। जैसे यूनिवर्सिटी इसका सिलेबस रिलीज करेगी तो हम वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट कर देंगे, नोटिफाई कर देंगे, साथ ही साथ सिलेबस की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो मेक श्योर कीजिए आपने चैनल सब्सक्राइब किया हो। अब नेक्स्ट बात करेंगे एडमिट कार्ड के बारे में। सो गाइस रीवा ईटी 2021 का जो एडमिट कार्ड है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, और साथ ही साथ जो है अगर आपके एडमिट कार्ड नहीं है आपके पास तो आपको जो एग्ज़ाम भी देने नहीं दिया जाता। इसके लिए आपको एडमिट कार्ड संभाल के रखना है, उसके 3 से 4 प्रिंट अच्छी तरह से अपने पास ध्यान से रखने होंगे। और एक और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट फेस करते हैं एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग, वो ये है कि कई सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि किस तरह जो एडमिट कार्ड रिलीज होता है, कब एडमिट कार्ड की डाउनलोडिंग डेट जो है वो एंड हो जाती है, और इस वजह से वो एडमिट कार्ड डाउनलोड भी नहीं कर पाते। सो गाइस आप लोगों के साथ ऐसा नहीं, इसलिए आपको सिंपली क्या करना होगा, आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन बटन दबा के रखना है, ताकि जैसे ही रीवा एलिजिबिलिटी 2021 का एडमिट कार्ड रिलीज होगा तो हम वीडियो के माध्यम से तुरंत आपको अपडेट कर देंगे, नोटिफाई कर देंगे कि एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है। साथ ही साथ वीडियो में आपको ये भी बता दिया जाएगा कि किस तरह से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि किस तरह से आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। सो गाइस रिजल्ट के लिए भी सेम प्रोसीजर है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया रहेगा, बेल आइकन बटन दबाया रहेगा, तो रिजल्ट डिक्लेयर होते ही आपको जो है नोटिफाई कर दिया जाएगा कि रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, और साथ ही साथ आपको जो है रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दी जाएगी, ऑफिशियल लिंक, जिसके द्वारा सिंपली आप एक क्लिक से अपना रिजल्ट चेकआउट कर पाएंगे। सो गाइस आई होप अभी आपको रीवा एलिजिबिलिटी 2021 के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी कोई डाउट होता मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं ज़रूर आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, इस वीडियो से आपको नॉलेज मिली है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।